दो मकाओ तोते को एक लड़का चुराकर एक स्मगलर को बेच देता है जो जानवर और पक्षियों का दूसरे देश में सप्लाई करता है। लेकिन उसमें से एक तोता मरने का नाटक करता है और मौका मिलते ही वो उड़कर जाने लगता है, लेकिन एक बड़ा तोता उसे दबोच कर पकड़ लेता है। फिर स्मगलर उन दोनों के पैर में जंजीर बांधकर एक पिंजरे में डाल देता है और रात के समय जब वहाँ कोई नहीं था तो एक तोता जिसका नाम है ज्वेल वो अपने पिंजरे को उस घर की खिड़की तक लाती है और ऐसे वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन एक तोता उड़ नहीं पाता क्योंकि वो पालतू है और इसी वजह से दोनों नीचे जमीन पर आ गिरते हैं। उस तोते का नाम है ब्लू और वो ज्वेल को जमीन पर चलना सिखाता है और वो दोनों भागते हुए एक जंगल में पहुंच जाते हैं और वही ब्लू के पीछे एक मकड़ी चिपक जाती है। ज्वेल उसे हटाती है और बताती है कि हमें पेड़ पर चढ़ना होगा, नहीं तो कोई भी हमारा शिकार आसानी से कर सकता है। और इधर उस तोते के मालिक भी उसे ढूंढ रहे होते हैं। वो लड़का उन दोनों के पास पहुंचता है जिसने उन दोनों को चुराकर स्मगलर को बेच दिया था और वो उन दोनों को बता देता है कि वो तोते कहां मिलेंगे। आगे की कहानी के लिए आपको एक लाइक करना होगा।